मेरा नाम है भारत टीवी, आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं सुनहरा बॉर्डर पर मौजूद हूँ। दरअसल आपको बता दें, किसान को जो लगातार अपनी मांग को लेकर के यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार उन तीन कानूनों को लेकर के सरकार से वापसी की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर के यहाँ सुनहरा बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन होने वाला है और भारी मात्रा में फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूँ, आप देख सकते हैं प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से जोरों पर है। और मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, ये तस्वीरें हैं और वहां आप देखिए दूर, वहां से आपको किसानों के लोग भी, जो किसान हैं वो आपको आते हुए नजर आ जाएंगे। यहां प्रशासन जो है, प्रशासन की आप तैयारियां देखिए, दूर तक आप देखेंगे फोर्स ही फोर्स आपको नजर आ रहा है। और वहां आप देख सकते हैं ये किसान जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पहुंच चुके हैं, प्रशासन ने पहले से ही यहाँ मोर्चा संभाल रखा है। आप देख सकते हैं दूर तक, आप देख सकते हैं प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। तीन काले कानूनों को लेकर के सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है। हम लोग इस वक्त सुनहरा बॉर्डर पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं प्रशासन के उच्च अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और फोर्स के काफी जवान यहाँ लगाए गए। ठीक आप उसके पीछे देख सकते हैं किसानों की जो गाड़ियां हैं वो सामने आती हुई आपको नजर आ रही है। खैर, जैसी ही कोई लेटेस्ट अपडेट रहती है हम आपके पास तुरंत लौटेंगे, लेकिन फिलहाल की जानकारी ये है कि किसान जो हैं वो ट्रैक्टरों के साथ, गाड़ियों के साथ, देशभक्ति गीतों के साथ यहाँ पहुंच चुके हैं और प्रशासन पहले ही यहाँ पर अलर्ट मोड पर आपको नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं इस वक्त की ये तस्वीरें हैं, हम लोग सुनहरा बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहाँ ठीक सामने आपको किसान नजर आ रहे हैं। तो ठीक उसके सामने बैरिकेडिंग कर दी गई है, हरियाणा पुलिस के जवान लगे हुए हैं, पूरी तरीके से इस बॉर्डर को लॉक किया गया है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, सामने किसान हैं, किसानों के ट्रैक्टर आ रहे हैं और आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, यहाँ किसानों का जत्था भी पहुंच चुका है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर था, पूरी तरीके से यहाँ पर चौक चौबंद व्यवस्था की गई थी और अब बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है और जो उच्च अधिकारी हैं वो भी आ गए हैं। और ठीक है, आप देख सकते हैं सामने किसान भी यहां पर पहुंच चुके हैं। ये भी एक तस्वीर है, मैं कैमरामैन से चाहूंगा पीछे दिखा दें, बॉर्डर के उस साइड आप देखेंगे किसानों का जो हुजूम है वो सामने आपको नजर आ रहा है। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं इस वक्त सुनहरा बॉर्डर से। तो इस वक्त की जानकारी ये है कि किसान पुनाना से चलकर यहाँ सुनहरा बॉर्डर पहुंचे और इसके बाद ये मदरसे की ओर रुक कर रहे हैं, वहां से भारी हुजूम के साथ इकट्ठे होकर के पहुंचेंगे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, किसान जो है प्रदर्शन करते हुए पहुंचे हैं यहाँ पर। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, ये लोग जो रहरा मदरसे की ओर जा रहे हैं और आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से फिर ये लोग रिटर्न होंगे और ये सुनहरा बॉर्डर पहुंचेंगे। तो वहीं आप पीछे आप देखिए, इस तस्वीर को आप देखिए, प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट है। ये भी एक तस्वीर आपको दिखाने वाली है, जैसे ही किसान यहाँ पर पहुंचेंगे फिर हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस वक्त की जानकारी ये है कि सुनहरा बॉर्डर पे पहुंचकर किसान जोरहरा मदरसे की ओर गए और वहां से इकट्ठे होकर हुजूम की शक्ल में फिर यहाँ सुनहरा बॉर्डर पहुंचेंगे।